हाय दीरन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं गोल्ड क्रेस्ट मॉल में। पहले भी आ चुके हुए हैं। ये वो एरिना है जहाँ पर डिफरेंट तरह के स्टॉल्स हैं, जिसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें तो वहाँ पे लैम्प शेड्स भी हैं, बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही डिफरेंट किस्म के। आपको कैमरे में नज़र तो आ ही रहा होगा, और भी हम आपको दिखाते भी रहेंगे, इनसे हम बात भी कराएँगे, ज़रा इनके स्टॉल्स पर भी जाएँगे। चूड़ियों के इतने प्यारे प्यारे से स्टॉल्स हैं यहाँ पे लगे हुए, इतने कलरफुल से। इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक्स के भी यहाँ पे काउंटर्स हैं बने हुए, थोड़े कपड़ों के हैं, और फिर यहाँ पे कोन मेहंदियाँ भी पड़ी हुई हैं, खूबसूरत खूबसूरत सी चूड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत से ब्रेसलेट्स भी हैं, स्टड्स भी हैं, रिंग्स भी हैं। बल्कि मैं आपको अपने बैकग्राउंड में भी दिखाती हूँ। अगर यहाँ पर ये कैमरा हमारा मूव हो रहा है, और काफ़ी सारी गर्ल्स भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो शॉपिंग कर रही हैं, और ज्वेलरी वैसी है तो बहुत ही खूबसूरत। अभी बल्कि मैं खुद भी अपने लिए यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लूँगी। आपको नहीं दिखा सकती अभी मैं कि मैं क्या लेने वाली हूँ। पहले बढ़ेंगे अपने दोस्तों के साथ और करेंगे उनके साथ बहुत सारा फन। दरमियान में हम करते रहेंगे यहाँ पर स्टॉल्स पे और काउंटर्स पे भी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आप? नूरुलैन। नूरुलैन, ओह माय गॉड, 1 2 आई एम कमिंग टू यू। क्या नाम है आपका? मिनाल। आपका क्या नाम है? क्या करने आए हैं आज मॉल में? नहीं पता मुझे। सीरियसली, मामा ने क्या कहा था? मामा ड्रेस लेने आई थी। मामा ने ड्रेस ले लिया? ले लिया। कहाँ है? ये। ओह रियली? ओह शट द डोर, 5 6 पिक अप द स्टिक्स, 7 8 लेन देम स्ट्रेट, 9 10 अ बिग फैट हैन, अ बिग फैट हैन, अ बिग फैट हैन। ओह माय गॉड, अ बिग फैट हैन, वेयर इज द बिग फैट हैन? मुझे नहीं पता। यू हैवंट सीन द बिग फैट हैन? मुझे नहीं पता, छुप गई है क्या? मुझे नहीं पता कहाँ। किस कलर की थी? व्हाइट। व्हाइट, तो व्हाइट कलर की है ना, आपको बहुत अच्छी लगती है क्या? अच्छी लगती है। ओह यस। अच्छा, आपके पास कौन कौन से टॉयज हैं? बहुत सारे हैं। फिर बताए ना कौन कौन से हैं, मुझे भी बताए ना। पियानो है, और डॉल है, और पॉपिट है, पजल्स हैं। पजल्स हैं। सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको गेम खेलना? किसके साथ खेलना अच्छा लगता है? सबके साथ, अकड़ बकड़ अच्छा लगता है खेलना। अकड़ बकड़ अच्छा लगता है, और अकड़ बकड़ आप किसके साथ खेलती हैं? सबके साथ। सबके साथ, और कभी आप हार जाती हैं या जीत जाती हैं? कभी हार जाती हैं। जब आप हार जाती हैं तो फिर क्या होता है? कुछ ही होता है। कुछ भी नहीं होता। ये क्या बात हुई? आउट हो जाती हूँ दोबारा। आउट हो जाती हूँ और फिर मैं दोबारा आ जाती हूँ, है ना? कितनी देर खेलती हैं आप? बहुत देर। बहुत मजा आता है। सबसे ज्यादा किसके साथ खेलने में मजा आता है? बाबा। बाबा के साथ और मामा के साथ? मामा बाबा दोनों के साथ। वाओ। अच्छा, और बताइए, हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, यू ब्यूटीफुल डॉटर्स। बच्चे खूबसूरत तो प्यारे तो होते ही हैं, लेकिन माशाल्लाह ये इतना कुछ चैटर बॉक्स बच्चे हैं ना, उतना ही मज़ा आता है। घर में भी ऐसी बस दोनों बच्चे इसी तरह ही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी तो सारी रौनक जो है वो बच्चों से ही है। स्पेशली जो ये छोटे वाली है बहुत नोटी है, और बस अब सारा टाइम हम इन्हीं के साथ बिजी होते हैं घर में। लाहौर के अलावा और कहाँ कहाँ गए? एक्चुअली हम जो हैं वो लाहौर के रेजिडेंट नहीं हैं, हम इस्लामाबाद से हैं। वैसे अभी लाहौर में कैसे आना हुआ, कहीं स्टे किया हुआ? लाइक हम यहाँ पे अपनी जॉब्स के लिए हैं, लेकिन जो हमारा होम टाउन है वो इस्लामाबाद है। कहाँ रहते हैं? हम इस्लामाबाद में रहते हैं। कौन सा शहर ज़्यादा खूबसूरत है, इस्लामाबाद या लाहौर? दोनों शहर बहुत अच्छे हैं और हमें दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। सो एक गाना हम और सुनेंगे। कहानी सुनेंगे। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना, हमें तुम्हें दुल्हन बनावे, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजावे, तेरी ले ले मनावे, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुझे अपना बनावे, ये मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी सुनता जरा जो मैं कहना सका। आगे नहीं आता, आगे नहीं आता। ये भी गाने में था क्या? नहीं ना, नहीं है, नहीं था। अच्छा, एक सवाल पूछेंगे, लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं आता। तो हम आपकी मम्मा से सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर आपको जवाब आता है तो आप भी हमें बता सकती हैं। ओके, तो सवाल हमारा आपसे ये है कि आप हमें ये बताइए कि वो कौन सा फल है
जिसे आधा काट दो तो वो एक सब्जी बन जाती है, उसके नाम को आधा कर दो। क्या नहीं पता? प्याज? नहीं ना, उसके नाम में दो नाम है। रेड एंड पर्पल कलर का होता है आजकल है बाहर मार्केट में। करेला? नहीं ना, इट्स अ फ्रूट। यस जनाब, आलू बुखारा वो फल है कि जिसके नाम को आधा आधा कर दो तो एक सब्जी और एक सब्जी का नाम बन जाता है। इस छोटे से गिफ्ट टाइम पर गोल क्रेस्ट जाने से आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा आपने उनसे बात की थी। थैंक यू। शारोज हमारे साथ हैं, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ होप अपलिफ्ट फाउंडेशन, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक बताएं जरा। सो वी आर इन, जो खूबसूरत सा ये माल सामान जो हमारे बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है ना, साइड पे मैं इसलिए हूँ ताकि हमारा कैमरा आपको दिखा सके, उसके बाद मैं शाहरोज की तरफ आती हूँ ताकि आपको एक्चुअली में आइडिया हो जाए कि हम बात किस चीज़ के बारे में करने लगे हैं। खूबसूरत सा एक स्टॉल यहाँ पे सजाया जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं, इतने सारे खूबसूरत छोटे छोटे से आइटम जैसे जो घर में आप सजा सकते हैं, अपने घर के कॉर्नर्स में आप रख सकते हैं। एक टेबल पे यहाँ पे जो ईद का सामान, चूड़ियाँ वूड़ियाँ और छोटी छोटी सी ज्वेलरी और थोड़ा सा कुछ और कॉस्मेटिक के आइटम्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बिल्कुल अगर उसके राइट पर हम चले जाएँ तो वहाँ पर हमें कुछ ड्रेसेस भी हैंग हुए हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो डिस्प्ले है ये होप अपलिफ्ट फाउंडेशन का ही है। चला शारोज, कैसे हैं? आई एम ग्रेट जी, आप बताएं। आई एम ऑसम एज ऑलवेज। अच्छा बताइए, ये खूबसूरत सा जो आपने यहाँ पर काउंटर लगाया है, ये डिस्प्ले जो किया है, कहीं और किया, कब किया, कैसे किया, सब कुछ बता डालें। अच्छा ये तो आप पहली बात, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इट्स बीन लाइक 23 इयर्स हम लोग पाकिस्तान में, होप अपलिफ्ट फाउंडेशन हमारी एनजीओ का नाम है एंड दैट्स इस्टेब्लिश बाय लुबना शकूर जो प्रेसिडेंट है होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की। उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है। सो बेसिकली हमारी 6 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं, विच इज़ पब्लिक असिस्टेंस, हंगर रिलीफ, एजुकेशन, हेल्थ, डिस्पेंसरी, वाटर एंड वुमन एम्पावरमेंट। तो जैसे आप, मैं वुमन एम्पावरमेंट की बात करूं तो हैव यू सीन दीज कुशंस, ये सारा कुछ जो कुशंस हैं अगर आप ये दिखा सकें तो जो कुशंस हैं ये हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जहां अंडर प्रिविलेज बच्चियों को हम लोग 2 महीने का कोर्स करवाते हैं, ठीक है। उस कोर्स करवाने के बाद जो उनकी टॉप 3 पोजीशंस होती हैं उनको हम स्विंग मशीन्स देते हैं। तो वो जो काम करती हैं सिलाई कढ़ाई का या वो जो डिफरेंट क्रोशिया वर्क करती हैं तो वो हम यहाँ डिस्प्ले के लिए लेके आते हैं। एंड उसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो उनको इंकरेजमेंट मिल जाती है और सेकेंडली क्या होता है जब ये चीज़ सेल आउट होती है मार्केट में आती है तो उससे जो पैसे आते हैं हम अपने इदारे को वो पैसे वापस भिजवा देते हैं। तो एक साइकिल चलता रहता है और हम गरीबों की मदद इस तरीके से करते रहते हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इज हियर टू हेल्प आउट ऑल दोस पीपल हु आर वर्किंग हार्ड बिहाइंड द स्क्रीन। तो बिहाइंड द स्क्रीन भी सारी बच्चियाँ हैं जो इन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में बैठकर इतनी मेहनत कर रही होती हैं और फिर उनको उनकी मेहनत का फल ये फाउंडेशन दोबारा से लौट आती है, उन तक पहुंचाती है। और ये खूबसूरत खूबसूरत से ड्रेसेस के ये भी सारे उन बच्चियों के हाथों के तैयार हुए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये तो चलो हमने यहाँ पे ये डिस्प्ले देख लिया हैंडीक्राफ्ट्स का। एजुकेशन की अगर बात करें तो उस सेक्टर में किस तरीके से आपके बच्चे जो हैं वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं वो काइंडली बताइए। जी सो आपको ये जान के खुशी होगी कि हम लोग 2000 बच्चों को मुफ्त तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं और जो हमारा किस लेवल तक सेकेंड ईयर तक, राइट? एग्जैक्टली हम किंडर गार्डन से स्टार्ट करते हैं देन हम उनको बच्चों को पॉलिश करते हैं हम उनको। इज दैट स्किल बेस्ड एजुकेशन? इट्स अ स्किल बेस्ड एजुकेशन एज वेल एज द मेट्रिकुलेशन हम करवाते हैं उसके अंदर और बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और अगेन मैं आपको बताता चलूँ, जैसे आपने देखा कि पिट शॉप पे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पंचर लगा रहे होते हैं तो हमने उन बच्चों को उठाया है, हमने उनके माँ बाप को समझाया है कि आप आए हैं, इन बच्चों की तालीम कितनी ज़रूरी है, आप हमारे स्कूल में पढ़ाएं। और अब माशाल्लाह वो बच्चे जब हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं और जब मैं आपको एक छोटा सा क्विक वाक्य सुना देता हूँ कि हमने एजुकेशन के थ्रू चेंज कैसे लाए हैं। जैसे मेड के जो बच्चे होते हैं वो लाइक मेड तो घरों में काम करती है, जैसे आपको पता है आपके घर में भी होगी, हर जगह ही पाई जाती हैं। तो उनके बच्चे जो पहले गंदे गंदे होते थे हमने उनको पिक किया, हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। तो पहले जो मेड्स थी ना वो अपने बच्चों को पिक करने के लिए आती थी, जैसे वो जैसे घर से सफाई करके उठी और वैसे आ गई, लेकिन तालीम ने क्या तब्दीली उनके अंदर लाई। अब तालीम एंड द अदर थिंग इज़ कि आप लोगों की फाउंडेशन तालीम तो तब्दीली ला ही रही है अगर कोई समझने की कोशिश करे और उस रास्ते को सही तरीके से फॉलो करे।
लेकिन इसमें जो ये फाउंडेशन है जैसे कि होप अपलिफ्ट फाउंडेशन काम कर रहा है और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस आता ही वहाँ से। और मुझे बताइए ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ट्रू, ज़िंदगी में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं अपनी पहली बात को मुकम्मल कर लूँ। क्विक तो चेंज क्या आया उसके अंदर, चेंज ये आया कि अब वो जो वालिदैन है ना, जो मेड्स वगैरह, वो तैयार होकर स्कूल आती है अपने बच्चों को पिक करने के लिए, क्योंकि हमने एजुकेशन के थ्रू उनको, उनके वालिदैन को एजुकेट किया। Awesome. अवेयरनेस देने की बात है कि आप लोगों ने स्टेप अप किया, वो पहला कदम उठाया कि जहाँ से अवेयरनेस दी जा सके और बताया जा सके कि हम तब्दीली कैसे ला सकते हैं। छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है गोल्ड क्रेस्ट की जानिब से, हम आपको ज़रूर देंगे। आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, जिसने क्या जा जो जो कुछ ख़रीदा और जो जो ख़रीदने वाला है वो सारा कुछ भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। काउंटर्स भी हमने आपको इतने कलरफुल से दिखाए हैं, कुछ रह भी गए हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप जाइएगा कहीं भी नहीं, और मैं यहाँ पर जो ज्वेलरी काउंटर है वहाँ पे थोड़ा सा कुछ रिंग्स और ब्रेसलेट्स और इतनी अमेजिंग सी जो मुझे इतनी देर से गेज कर रही हैं और अपनी तरफ खींच रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें देखूँगी। इतनी देर में वापस आते हैं और आपसे फिर बहुत सारी बातें करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। वेलकम बैक, हम और आप मौजूद है इस पर गोल्ड क्रेस्ट में, और वक्त गुजरने के साथ साथ ना यहाँ पे ऑडियंस जो है, हमारे लिए तो ऑडियंस है, आपके लिए भी ऑडियंस है, लेकिन यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ के कस्टमर्स हैं। सब इस जिस काउंटर पे मैं मौजूद हूँ, जमशेद साहब का काउंटर है, इनका ऑनलाइन बिजनेस भी है, और ये अपने खूबसूरत से काउंटर और इतनी प्यारी सी ज्वेलरी के साथ ये यहाँ पर खड़े हुए, मुझे रहा नहीं गया और मैंने कहा चले आपको मिलवाते हैं, ताकि आप भी जब यहाँ पर आएँ तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या जी साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा आप बताइए अपने काउंटर के बारे में भी, आज आपने यहाँ पे जो डिस्प्ले किया हुआ है, कस्टमर रिस्पांस क्या है, आप ऑनलाइन बिजनेस क्या कर रहे हैं और क्या कुछ? अच्छा, मेरा नाम जमशेद है, मेरा ऑनलाइन बिजनेस है ज्वेल्स बाय अजवा के नाम पे, ठीक है? ज्वेल्स बाय अजवा। हाँ, पर इंस्टाग्राम का पेज है वो टैग से चेंज है, क्योंकि वो हैक होते रहते हैं, बस यही हो जाए, कोई इशू नहीं। अच्छा, मेरा ज्वेलरी का कोर्स जो बना हुआ है वो राउंड अबाउट 6 to 7 days हो गए यहाँ पर। ऐसे मेरी आउटलेट है डिफेंस मोड पे, वहाँ पे मेरा अपना वेयर हाउस है, मैं होलसेल रिटेल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ें करता हूँ। और हाँ, मॉल क्या जो आप बात करना चाहेंगे, मॉल में कस्टमर रिस्पांस बहुत अच्छा है, यहाँ का फुटफॉल भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे परचेजिंग पावर क्लाइंट की बहुत मज़ेदार है, मज़ा आता है यहाँ पे एग्जीबिशन करने का। और सेल्स कैसी हो रही है यहाँ पर? बेहतरीन, इसमें कोई शक नहीं है। आप आना चाहेंगे यहाँ, यहीं पर ही आना चाहेंगे? नहीं, मेरा यही है क्योंकि मेरा नियरेस्ट जो स्टोर है, वेयर हाउस है, वो यहाँ पर ही है, तो मैं प्रॉब्लम यही है कि मैं यहाँ पर ही आया करूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम शेड्यूल भी ज़्यादा होता है। प्राइसेस के बारे में बताइए, इकोनॉमिकल हैं, रेंज में सब, मतलब हर तरह की जो ख़वातीन हैं वो ले लेती हैं, बच्चियाँ लड़कियाँ और हाउस वाइफ? ईजीली हर कोई इजीली ले सकता है, क्योंकि मेरा होलसेल का भी काम है, रिटेल का भी काम है, तो मुझे पता है मैंने कहाँ पे किसके साथ कैसे डील करना है। मैं होलसेल में भी दे देता हूँ, ऑनलाइन में, रिटेल जैसे भी है, मैं हर क्लाइंट को सर्टिफाई करके यहाँ से भेजता हूँ। कोई भी लड़की, कोई भी आंटी, कोई भी कोई लड़की जो है वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाती। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये काउंटर आपको हमने दिखा दिया, ब्रेसलेट्स, रिंग्स एंड छोटे छोटे से यहाँ पे सेट्स भी मौजूद हैं, और ज्वेलरी आप लोगों ने यहाँ पे देखी भी, और आइए ज़रूर और यहाँ पे आप विज़िट कीजिए। क्या नाम है आपका? शर्मीन। क्या करती हैं शर्मीन? मैं जॉब करती हूँ। हु इज़ शर्मीन? मी। ऑफ कोर्स यू आर शर्मीन, बट डिफाइन योर सेल्फ। डिफाइन माई सेल्फ, हार्ड वर्किंग, फन लविंग, यू नो, हार्ड वर्किंग, और इसके अलावा क्या? एक्टिव। स्टार क्या? जेमिनी। क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, क्या जेमिनी में क्या स्पेशल है? अर्थ साइन क्या है आपका? आई डोंट नो, दैट इज एयर। ओके, और क्या अपनी क्या शख्सियत में क्या देखा है जो बहुत ही अमेजिंग है बाकी लोगों से? अमेजिंग है बाकी लोगों से,
इंसान में होता तो है ना, सेल्फ लव तो होता ही है. अपनी कौन सी चीज़ें बहुत पसंद है कि यार मैं ये बड़ा इनक्रेडिबल कर लेती हूँ, बड़ा अमेजिंग कर लेती हूँ, कोई ऐसा नहीं है, कोई वैसा नहीं है. सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है मेरा. कब से आया? बचपन से ही है. वो कौन सा मोमेंट था पहली बार जिसमें पता चला कि यार आई एम द कॉन्फिडेंट वन, बस मैं ही मैं हूँ और यू नो बस मैं ही अमेजिंग हूँ. बड़े फ्लैटर करते हैं ये जेमिनाई जो होते हैं और बड़ा अपने आप को. हाँ मैं ही अमेजिंग हूँ, उम्मीद से भी बहुत बेटर है. बट मैं जो खुद जिसे कहते हैं ना कि अपनी जो एक शख्सी जो एक एतमाद होता है अपनी शख्सियत पर होता है वो तो होना चाहिए. नहीं वो तो है. अच्छा और क्या हॉबीज़ क्या हैं? क्रिकेट. यू प्ले क्रिकेट अदर देन क्रिकेट? इंडोर गेम्स बताएं. डांसिंग. माइंड गेम्स नॉट रियली. कोई भी ना खेले हमारे साथ? नहीं जरूरत भी नहीं है. अच्छा डांसिंग. सो परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस पसंद है और इसके अलावा या दैट्स इट? कहाँ गए हैं लाहौर के अलावा? लाहौर के अलावा इस्लामाबाद, मरी, कश्मीर. क्या बात खूबसूरत है कश्मीर की. और लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के. लोग बहुत अच्छे हैं. लाहौर इस्लामाबाद वाले अच्छे नहीं हैं? नहीं मन करते हैं. उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है. ये वाले नहीं है इतने हॉस्पिटैलिटी नहीं रखते ये. नहीं मारते हैं, तंग करते हैं, क्या करते हैं? यूजुअली लाहौर के लोग जो है ना बहुत गुस्से वाले होते हैं. हर चीज़ किसी ने गुस्सा किया आप पे आज तक? नहीं मुझ पर कोई करेगा तो फिर आगे से. आपने कहा ना कि गुस्सा करते हैं. मैं खुद लाहौरी हूँ इसलिए मुझे पता है ना कि मतलब कैसे हैंडल करना है. जी गुड. अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड हमेशा साथ होती है. साथ होती है. क्या रीज़न है बेस्ट फ्रेंड क्यों हमेशा साथ होती है? क्योंकि वो बेस्ट है इसलिए. क्योंकि वो बेस्ट है. गुड हो गया. अच्छा कोई गाना सुना दे. कोई भी. हमने कह दिया तो मुश्किल हो जाएगी. नहीं आपने बिल्कुल नहीं. मैंने बिल्कुल नहीं कहना. मेरे दिमाग में कोई आ नहीं रहा फिलहाल गाना. आप क्यों नहीं आ रहा है? गाने तो बहुत सारे हैं. आपको अपनी मर्जी का कुछ भी कोई भी गाना सुनाए. डांस तो करा नहीं सकती यहाँ पे, क्या करें. पुराना गाना सुन लो. जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया. खत्म हो गया यार. आई वाज लॉस्ट. आई वाज समवेयर. वेरी नाइस शमीन. वेरी वेरी नाइस. एक सवाल पूछने के लिए थी आपको. हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं तो हमारा आपका सवाल आपसे ये है जनाब कि वो कौन सी चीज़ है जो मीठी बन जाती है, कड़वी बन जाती है, जहर बन जाती है, नमकीन बन जाती है, क्या है? सब रंग सब जायके उसमें है. जुबान. ओह माय गॉड. कैसे पता चला कि जुबान है वो? दिस इज़ अमेजिंग. बिल्कुल ही सही और दुरुस्त जवाब दिया. अब सही और दुरुस्त की क्या बात हो जाती है. मतलब जनाब सही जवाब दिया. एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको गोल्ड क्रेस्ट की जानिब से हमेशा याद दिलाता रहेगा. आपसे बात. थैंक यू सो मच. क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमिना. मोमिना आपका क्या नाम है? अमराहा. अमराहा. अमराहा का क्या मतलब क्या है बेटा? अमराहा मींस गुड न्यूज़. गुड न्यूज़. माशाल्लाह. सो यू हैव वन डॉटर? यस माशाल्लाह. माशाल्लाह. और बेटी का नाम किसने सजेस्ट किया था? ये नेम इनके फादर ने रखा है. ये फादर ने रखा था. सच अ ब्यूटीफुल नेम और बहुत ही यूनिक नाम है. मैंने पहली बार सुना है. और बताइए मोमिना क्या करती हैं? प्लीज जस्ट कम फॉरवर्ड. ओके क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं, बस हाउस में ही होती हूं. हाउस वाइफ. लॉट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज. अदर देन दैट जिंदगी में क्या हो रहा है? जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है बहुत. अमराहा के लिए क्या लिया? अमराहा की ड्रेस और अभी हम यहाँ से ज्वेलरी वगैरह इनके लिए ले रहे थे. अमराहा के लिए ज्वेलरी में क्या ले रही हैं? ज्वेलरी में ऐसी लाइक रिंग और ब्रेसलेट इस तरह की चीज़ें. जो आपको वैसे क्या पसंद है ज्वेलरी में? ब्रेसलेट ही अच्छा लगता है. ब्रेसलेट्स पसंद है. कोई चीज़ होती है जो ना, जैसे किसी को रिंग्स पहनना बहुत पसंद है, किसी को चेन्स पहनना बहुत पसंद होते हैं, कोई ब्रेसलेट्स पहनता है, तो यू लाइक वेयरिंग ब्रेसलेट्स? ब्रेसलेट्स. और लाहौर के अलावा कौन कौन सा शहर है जो आपने देखा है जो आपको पसंद है? मरी, इस्लामाबाद. इस्लामाबाद इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी. इस्लामाबाद इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अब कैसा है इस्लामाबाद? हाँ आजकल कैसा है? आजकल तो अभी जाना नहीं हुआ. लास्ट ईयर आई थिंक उससे भी वन
हाँ 1.5 ईयर बैक देखा था तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मोनाल। बहुत गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं लाहौर की? अब हम मनाल पे लाहौर की गर्मियाँ काश वहाँ गुजर सकती हैं, लेकिन लाहौर में रहना भी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर वैसे बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और लाहौर तो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है और अल्लाह का शुक्र है बेस्ट है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वेदर भी अच्छा हो गया, पहले बहुत गर्मी थी, अब तो शुक्र है कि इट्स बेटर। अच्छा अमराहा से बात करते हैं, अमराहा कोई अच्छा सा गाना, कोई पोएम कुछ सुनाए आप हमारे फ्रेंड्स को। This is amazing, this is awesome. अच्छा एक सवाल आपसे पूछेंगे, लेसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है, तो आप हमें ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो कड़वी भी है, मीठी भी है, जहर भी है, प्यारी भी है, बुरी भी है? जिंदगी। जिंदगी भी है, बस हमारा जवाब कुछ और था, लेकिन ये जवाब है बिल्कुल। से गोल्ड क्रेस्ट की जाने से छोटे से गिफ्ट टेम्पर आपको देंगे, आपको मशीगा दे रहा रहेगा, आप इनसे बात की। थैंक यू सो मच ऑफ यू, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू। बिल्कुल राइट पे जो काउंटर है, ये काउंटर कह लें या स्टॉल कह लें ड्रेसेस का है, खैर ये सारा एरिना तो आपने देख ही लिया। इस वक्त हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको बहुत सारे और भी दोस्तों से मिलवाएंगे और बहुत सारे और भी काउंटर्स दिखाएंगे, हमारे साथ रहेगा। हमने नाम ही यही रखा हुआ है कि पैनोरामा ऑफ कलर्स एंड डायरामा ऑफ आर्ट। इसमें मैक्सिमम आपको आर्ट नजर आएगा, एस्थेटिक सेंस है और एस्थेटिक वाले ही यहाँ पे रुकते हैं। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। वेलकम बैक, मौजूद हैं इस वक्त हम गोल्ड क्रेस्ट में, स्टॉल्स ये सारे हम आपको दिखाते जा रहे हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत से स्टॉल्स हैं और लोग भी यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद हैं। जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने दोस्तों की जानिब, करते हैं उनसे मज़े मज़े के सवाल। अच्छा बातें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाऊं कि ये एरिना जिस तरीके से डेकोरेट किया गया है, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। इंट्रो में तो मैंने आपको दिखाया है, अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि जिसमें सारा का सारा घर को बनाने और सजाने और खूबसूरत दिखाने वाला जो काम होता है, जो घरेलू खवातीन बड़े शौक से करती हैं, वो क्या है? अच्छा कॉन्सेप्ट्स के नाम से ये एक ऑनलाइन ब्रांड है जिसमें ये सारे एक्सेसरीज़ हैं, कुशन्स हैं इसमें, और रनर्स हैं, लैंप्स हैं, फ्लोर लैंप्स हैं, इसके अलावा टेबल लैंप्स हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। अब इतनी डिटेल में हम दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और जिस तरीके से ये इसके ऊपर ये मुग़ल ईरा के ये सारे कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ इसको इतना यूनिक बना रही है और इतना कैची है कि आई के नॉट एक्सप्लेन। बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म की चीज़ और टच एंड फील वाली बात है कि ऑनलाइन इज़ अनदर थिंग, और यहाँ पर अगर ये मौजूद है और इस काउंटर पे ये सारा कुछ है। मिसेस फियाज भी हमारे साथ हैं जो इस ब्रांड को चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। थोड़ा सा अपने ब्रांड के बारे में ज़रा बताइए। हमारा ब्रांड बेसिकली डिजिटल प्रिंटेड से रिलेटेड है, कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, और ये कि ट्विनिंग करते हैं हम, सारी हमारी अपनी डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, प्रिंटिंग है, उसके बाद मैन्युफैक्चर है, तो ये नतीजा सामने आता है। बेसिकली वही जैसे आपने कहा कि औरतों को आराइश का शौक़ होता है, वो एस्थेटिक ढूंढती हैं किस चीज़ में मिलती है हमें, तो उनकी एस्थेटिक सेंस को सेटिस्फाई करने के लिए सारा कुछ बनाया गया है। आपको घर की डेकोरेशन की मैक्सिमम आइटम्स मिलेंगी यहाँ पे, लैम्प शेड्स हैं, रनर्स हैं, टेबल मैट्स हैं, कुशन कवर्स हैं, और सारा कुछ हम अपना तैयार करते हैं, कस्टमाइजेशन की भी फैसिलिटी है हमारे। ये सारी बातें आपने सुन ली हैं, टच एंड फील वाली बात है ना, तो यहाँ पर ये काउंटर मौजूद है, ज़रूर आइए। जब आप एंटर होंगे आप पे सबसे पहले जहाँ आपकी नज़र पड़ेगी वो काउंटर कॉन्सेप्ट्स का ही है, कलरफुल वन, और हमने नाम ही यही रखा हुआ है कि पैनोरामा ऑफ कलर्स एंड डायरामा ऑफ आर्ट। इसमें मैक्सिमम आपको आर्ट नज़र आएगा, एस्थेटिक सेंस है और एस्थेटिक वाले ही यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे पूरा ये हॉर्सेस वाला कॉर्नर है, उस साइड पे मैक्सिमम एलिफेंट्स और मुग़ल आर्ट, मुग़ल एरा को कैप्चर किया हुआ है,
यहाँ पे हॉर्सेस। अच्छा मिसेस चियाज, वन मोर थिंग कि चलो कस्टमर्स की ख़वातीन का आपको पता है बड़े डिस्काउंट का इनको शौक होता है, ख़वातीन थोड़ा सा बड़े डिस्काउंट अगर उनको मिल जाए ना तो वो बड़ा खुश होती है, बड़ा अच्छा फील करती हैं। तो प्राइजेज क्या हैं, इकोनॉमिकल है क्या है, थोड़ा सा आप ये भी बता। इकोनॉमिकल प्राइसेज ही रखी हैं और बिल्कुल फ्रैक्शनल मार्जिन रखा हुआ है क्योंकि अभी हमने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना है। पहले तो ऑनलाइन था लेकिन कस्टमर डिमांड पे हमने एग्जीबिशन लगाई है क्योंकि वो चाहते थे कि कहाँ टच एंड फील करें। ब्लाइंडली कोई बिलीव नहीं करता ऑनलाइन ब्रांड्स को और प्रोडक्ट्स को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सचर फीलिंग हर चीज़ के बारे में आप सोचते ही रह जाते हैं ना कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। तो हमने मैक्सिमम जो है वेलवेट पे और कॉटन जूट पे काम किया है। तो आई हैड बीन वर्किंग विद अलफता, आई वॉज द वेंडर ऑफ अलफता, और अब ये है कि मैंने अपना यहाँ पे स्टॉल इंस्टॉल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अलफता से अब तक मेरी जीरो क्लेम है। दैट आई कैन बोस्ट। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर गोल्ड क्रेस्ट की जानिब से आपको ज़रूर देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा कि हम और आपने आपने हमसे बात की। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। आपका नाम? अस्मा शानजे। अस्मा शानजे। शानजे कौन सी क्लास में आप? मैं सिक्स में आई हूं। अच्छा अभी मॉल में क्या करने आए थे मामा के साथ? ग्रोसरी देने। नहीं कर ली क्रॉस? अभी जाना है। अभी जाना है? अभी अभी आए हैं। अभी अभी आए हैं। और बताइए जिंदगी में और क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, बस जिंदगी में क्या हो रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है और मैं चाहती हूँ पाकिस्तान भी तरक्की करे। अच्छा शान से मुझे आप ये बताइए कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आप क्या करती हैं? बेटे थोड़ा सा आगे आ जाइए। ओके टेल मी नाउ, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मैं अच्छी ड्राइंग कर लेती हूँ। ड्राइंग कर लेती हैं, इसके अलावा किस चीज़ में इंटरेस्ट है? चलो ये तो आपका बेसिक हो गया ना, आप फोकस्ड हो, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, और क्या गेम्स हैं, कौन से स्पोर्ट्स हैं जो आप करती हैं? बस सारी मुझे अच्छे आते हैं। कौन से स्पोर्ट्स आपको ज़्यादा पसंद है? आउटडोर स्पोर्ट्स की बात करते हैं। चलो क्रिकेट। बॉयज़ के साथ खेलती हैं, गर्ल्स के साथ खेलती हैं, क्लास फेलोज के साथ, बहन भाइयों के साथ, किसके साथ? कज़न के साथ। कज़न्स के साथ, दैट्स अमेजिंग। इसके अलावा और कौन से स्पोर्ट्स हैं जो देखना पसंद है? वाटर स्पोर्ट्स करते हैं क्योंकि समर्स में तो ज़्यादा आपका बच्चों का होता है ना कि हाँ कहीं किसी पूल पे जाना चाहिए, कहीं किसी ने किसी लेक पे कहीं जाएँ, कहीं स्विमिंग करें, कोई वाटर गेम्स होने चाहिए। आपके मेंबर हैं डिफेंस क्लब के, तो वहाँ जाते होते हैं बच्चे जाते हैं। आप कितनी बार, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, हफ्ते में कितनी बार जाते हैं या हफ्ते में एक बार? इस सीजन नहीं गए, अभी जाना है। अभी जाएंगे। और शान से और बताइए कि बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी एक दो चार फ्रेंड्स हैं, हम बस फोर फ्रेंड्स बस। अच्छा चूड़ियाँ पहनना पसंद है? जी। चूड़ियाँ भी ली हैं? अभी लेनी है वो। अच्छा कोई टैलेंट, कोई कुछ भी आप हमारे दोस्तों को सुनाएं, कोई गाना सुनाएं, चले। शान से आप उधर जाइए। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन दिल नहीं लगता, हाय मैं मर जावा। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अच्छा ये मूवी भी बहुत अमेजिंग थी, आते ही छा गई थी, क्या बात है जनाब। सवाल पूछते हैं, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता ही नहीं है। तो हम और आपका सवाल आपसे ये है कि एरोप्लेन के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग रेड, ब्लैक, बट यू आर क्लोज। रेड तो नहीं होता सम हाउ, कलर कुछ और है, अगर हम बता देंगे तो बहुत सारे और भी दोस्त हैं जिन्हें पता चल जाएगा, अभी हम नहीं बता सकते। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए गोल्ड क्रेस्ट की जानिब से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो नाइस। हमारे जाने का वक्त हो गया और खूबसूरत सा ये शो हमने गोल्ड क्रेस्ट की जानिब से आप तक पहुँचाया था। आपको जाने से पहले मैं बताऊँगी वो सारे अमेजिंग से सवाल जो हमने आज अपने दोस्तों से पूछे थे, वो सवाल क्या थे और उनके सही जवाब क्या है। तो गौर से सुनिए, वो कौन सी चीज़ है जो मीठी बन जाती है, कड़वी बन जाती है, जहर बन जाती है, नमकीन बन जाती है? तो वो है ज़बान। एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? ऑरेंज कलर का। कौन सा काम हम अगर रोज़ाना नहीं करेंगे तो अंधे हो सकते हैं? पलक झपक। और आखिरी सवाल जब मैंने किया था वो ये था कि वो कौन सा पल है जिसे आधा काट लो तो सब्ज़ी बन जाती है? और जनाब वो पल है आलू बुखारा। इसी के साथ हम अब जाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे, हमारा इंतज़ार भी करेंगे और हम भी आपसे मिलने का इंतज़ार करते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा है। बहुत सारे और फन के साथ, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ों के साथ, बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग दोस्तों के साथ हम आपसे फिर मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारा ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।